हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए होंडा सिटी 1.2 सीवीटी का एक वॉक अराउंड लेके आया हूँ। 1.5 सीवीटी का ऑलरेडी मैं डिटेल में वॉक अराउंड कर चुका हूँ। इस वीडियो में मैं सिर्फ आप लोगों को चेंजेस बताऊँगा कि 1.2 बेसिक में और 1.5 में जो टॉप वेरियंट आता है उसमें चेंजेस क्या क्या होंडा ने दिए थे। इसके सबसे पहले है कि जो प्रीवियस जनरेशन थी वो 1.3 और 1.5 लीटर में आती थी, ये जनरेशन 1.2 और 1.5 लीटर फोर सिलेंडर इंजन में आती है। तो इसका इंजन कंपार्टमेंट ओपन कर लेते हैं, तो आपको इसका इंजन से ही इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाकी ऑलरेडी मैं डिटेल रिव्यू कर चुका हूँ, ऊपर आई कार्ड में लिंक आ रहा होगा, वहाँ से जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये होंडा का जी 1.2 लीटर वीटेक इंजन है। बाकी इसके अगर हॉर्स पावर और टॉर्क के फिगर्स की बात की जाए, 88 हॉर्स पावर है और 110 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है। प्रीवियस जनरेशन से हॉर्स पावर कम है बट प्रीटी डिसेंट अमाउंट ऑफ टॉर्क। अब इसके बाकी फीचर्स पे आ जाते हैं। बाकी एक्सटीरियर चेंजेस की बात की जाए तो इसमें आपके पास अलॉय रिम्स नहीं आते, व्हील कप्स दिए जाते हैं और टायर साइज ऑलमोस्ट होंडा सिटी में सब गाड़ियों में सेम है, 175/65 R15। इसी तरह बैक से भी बात की जाए तो बैक भी ऑलमोस्ट सेम है, चूँकि ये सीवीटी वेरिएंट है तो इसमें सीवीटी आता है। बाहर से आप ये नहीं बता सकते यार ये 1.5 सीवीटी है या 1.2 सीवीटी है, बस सिर्फ बैजिंग दी गई है। वेल गाइस, इसकी की से स्टार्ट कर लेते हैं। की आपके पास नॉर्मल होंडा वाली की आती है, बट ये है कि इसमें आपके पास ट्रंक रिलीज लॉक अनलॉक का फीचर दिया गया है। बैक पे आपके पास होंडा की बैजिंग दी गई है। इमोबिलाइजर वाली की आती है, ये अच्छी बात है कि होंडा ने इसकी की में ही इमोबिलाइजर सिस्टम दे दिया। पहले जो प्रीवियस जनरेशन के लास्ट मॉडल्स में होंडा ने जो इमोबिलाइजर दिया था वो उसके की चैन में था। देन ये की से स्टार्ट होती है, इसमें आपके पास वो वाला ऑप्शन नहीं है पुश स्टार्ट वाला, चूँकि ये 1.2 सीवीटी है। देन इसमें आपके पास ये अच्छी बात है कि रिट्रैक्टेबल मिरर्स के ऑप्शन है बट ऑटो रिट्रैक्टेबल मिरर्स नहीं है। इकोनॉमी मोड नहीं है इसमें, इसमें आपके पास डिजिटल एसी नहीं आता, कन्वेंशनल इसमें आपके पास एनालॉग एसी आ जाता है। सीवीटी ट्रांसमिशन है, बाकी ओवरऑल डिटेल रिव्यू तो मैं इसका कर चुका हूँ। देन इसमें आपके पास क्रूज़ कंट्रोल भी नहीं है। हाँ, डुअल एयरबैग्स होंडा के तमाम वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड हैं। अब मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ तो इसकी की यहाँ पे लगेगी। इसमें आपके पास इंफोटेनमेंट सिस्टम भी छोटा आता है, जो टॉप वेरिएंट है एस्पायर वाला 1.5, उसमें आपके पास इंफोटेनमेंट स्क्रीन बड़ी आती है। देन इसमें आपके पास ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह है। देन यहाँ से अगर हम इसको ऑन करना चाहें, ये इस वक्त ऑफ हुई हुई है, तो ये इसकी स्क्रीन ऑन हो गई है। अच्छा, यहाँ से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू स्टेयरिंग व्हील पे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स दिए गए। इसका व्यू मुझे अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग बात की जाए ना, तो इसके जो कलर स्कीम है वो मुझे जो एस्पायर में आती है उससे थोड़ी बेहतर लगी है और थोड़ी ब्राइट लगी है। देन इसमें सेटिंग्स आ जाती है, फ़ोन कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ और बस दैट्स इट, ये ऑप्शन है। और रिवर्स कैमरा की बात की जाए तो इसमें रिवर्सिंग कैमरा दिया गया है विथ गाइडलाइंस दी गई हैं। देन इसको हम वापस पार्किंग में ले चलते हैं। तो इनमें फ्रंट कैमरा रेडी आता है, देन बाकी फ्रंट पे सब कुछ सेम है। और अब बैक से सिर्फ एक चेंज है इसका, अगर मैं यहाँ से आप लोगों को दिखा सकूँ, जो 1.5 एस्पायर आती है उसमें यहाँ पे आपके पास रेयर एयरवेंट्स दिए जाते हैं। इसमें एयरवेंट्स नहीं है, इसमें आपके पास यहाँ पे स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया। बाकी नीचे की बात की जाए तो चार्जिंग आउटलेट दिए गए हैं, तो यहाँ पे आप चार्जिंग लगा सकते हैं, जो कि वन सेकेंड 12 वॉट के आउटलेट हैं, नॉट लाइक USB पोर्ट्स हैं। बाकी इसमें आपके पास फैब्रिक सीट्स आती हैं जो कि वन सेकेंड काफ़ी हद तक कम्फर्टेबल हैं। स्टेयरिंग व्हील एडजस्टेबल है, यहाँ से आप इसको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि वन सेकेंड एक पॉजिटिव पॉइंट है कि स्टेयरिंग आप अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और बाकी तमाम फीचर्स इस गाड़ी में सेम ही है।